12 देशों और 16 शहरों के बाद इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2019 का आयोजन इस बार मुंबई में हुआ। सोमवार 16 सितंबर को मुंबई में हुए इस अवार्ड इवेंट में बॉलीवुड सेलिब्स एक से एक शानदार अंदाज में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान कैटरीना कैफ का लुक काफी खास रहा। कैटरीना कैफ इस दौरान ग्रीन कार्पेट पर बेहद खूबसूरत अंदाज में शिरकत करने के लिए पहुंची। इस दौरान कैटरीना कैफ बैकलेस गाउन में बला सी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही उनके गाउन में सिंगल स्लिट भी था जो उनके इस लुक को कहीं ज्यादा हॉट बना रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाइट मेकअप और हाई हील्स कैटरीना के इस लुक को परफेक्ट बना रहा था। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2019 में शिरकत करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के साथ पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच बेहद खूबसूरत केमिस्ट्री दिखाई दी। वहीं राधिका आप्टे सिर्फ अपने किरदारों ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी अपने बोल्ड अवतार के लिए जानी जाती है। वहीं अवार्ड्स के ग्रीन कार्पेट पर पहुंची राधिका ने अपने हॉट अंदाज से सारी लाइमलाइट अपने नाम कर ली। राधिका एक बेहद सेक्सी सिल्वर आउटफिट में ग्रीन कार्पेट पर पहुंची थी। ग्रीन कार्पेट पर राधिका एक्टर अली फजल के साथ पोज करते हुए नजर आई। अभिनेत्री राधिका मदान इस अवार्ड इवेंट में गोल्डन हॉट लुक में शिरकत करने के लिए पहुंची। वहीं एक्ट्रेस रिचा चड्ढा ने भी इस इवेंट के लिए गोल्ड ड्रेस को चुना। इस दौरान रकुल प्रीत एक गोल्डन कलर के सूट में आईफा के ग्रीन कार्पेट पर पहुंची। इस ऑल गोल्डन लुक में रकुल प्रीत बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। रकुल प्रीत इस अवार्ड नाइट में फैशन डिजाइनर नुमान पीआरसी की आउटफिट में पहनी नजर आ रही है। वही अभिनेता अपार शक्ति खुराना भी इस इवेंट में मौजूद रहे।